वालेकुम तल्लाह बरकातुहू। तमाम दोस्तों को आसन मिला सबके लिए। मैं तदर से इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपका दोस्त शिग्रिशा खादरी आपकी खिदमत में जबान बन कान हुआ हूँ और लेकर हाजिर हुआ हूँ। जहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने टाइटल बताया है कि बोतल में दुश्मन की जबान बंद करें, दुश्मन को बंद कर दें बोतल के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इसी तरह का अमल है। तो दुश्मन की जबान बंद करने के लिए जो मैंने आठवां अमल बताया था, माशाल्लाह सारी दुनिया में इस अमल का तहलका मच चुका है माशाल्लाह। तो लॉक वाला अमल तो माशाल्लाह बहुत कामयाबी मिल रही है, अभी भी लोग कर रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइबर कर रहे हैं माशाल्लाह। तो इस अमल के जरिए से बहुत सारों को बेपनाह फायदा हो रहा है। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हम आपके काम आ रहे हैं, अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है। तो चलिए नवा अमल, ऐसा अमल लेकर हाजिर हूँ जो दुश्मन की जबान के साथ साथ उसके ख्यालात को भी आप कैद कर सकते हैं। तो जिनको बोतल में उतारते हैं, आपने सुना होगा कि जिनको किस तरह बोतल में उतारते हैं। तो मैं आपके नश की मदद से दुश्मन की जबान बंद करने का अमल बता रहा हूँ, बोतल में बंद करने का। तो ये आगे आने वाले अमल में या कुछ ऐसे अमल होंगे इंशाल्लाह, इसमें आपको फायदा होगा कि वो जिन्नात को जिस तरह बोतल में उतार, यानी इस शख्स की जबान, इसके ख्यालात हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप जो है ट्यूसडे के दिन अमल शुरू करें। जबान मन का अमल ट्यूसडे को भी कर सकते हैं, सैटरडे को भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। दोपहर के वक्त आपको यानी 11 से 1:30 बजे के अंदर, यानी जोहर नमाज जब इमाम मिंबर पर जाते हैं, जानमाज पर करके नमाज के लिए ठहरते हैं, उस वक्त से पहले आपके ये अमल को करना है। जबान मन का इस नश को बनाना है। नश की चाल और सात तरीका मैं बताऊंगा। सूर्य रोम का नश है, 7 दिन आप आके जोहर ही में ही आपको वजीफा पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऋषा में पढ़ें पढ़ना चाहते हैं, तो आप आधी रात को ईशा के 10 बजे के बाद ही आपको पढ़ाई करनी होगी। इससे पहले असर में, फजर में, आप मगरिब में नहीं कर सकते। और इसकी अमल की शरायत है, अगर आप चाहें तो जवाल के वक्त ही करें। तो दिन में 12 बजे के वक्त अगर आप नश बनाकर ब्लैक इंक से आप नश को बनाना है, और किसी भी भाषा में नाम दुश्मन का लिख सकते हैं जिसकी जबान बंद करनी हो, और किसी जो भी मकसद है आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। नश की जो होगा जैसा है वैसा ही होगा, आप इसका जेरॉक्स ले सकते हैं। और शुरुआत जो है आप बावजू की हालत में किसी के लिए करके भी दे सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह जरूर अमल को शुरुआत कीजिएगा जायज मकसद के लिए। तो सूर्य रोम है दोस्तों, सूर्य रोम का ये अमल है माशाल्लाह। सूर्य रोम माशाल्लाह बहुत ही पुरतासीर है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आके जबान बंद करने के लिए इस अमल को बता रहे हैं जो आके बोतल के अंदर बंद करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अमल को क्या है माशाल्लाह फायदा हुआ, और इस नश के जरिए माशाल्लाह मैंने बहुत सारे काम लिए हैं, बहुत सारे काम माशाल्लाह करके दिया है, माशाल्लाह बहुत फायदा हुआ। तो आपको चलिए मैं किस तरह करता हूँ, इस तरह का छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ, आगे बताने वाला हूँ इस तरह आप इसको करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल करके बताना जरूरी है। तो दोस्तों सूर्य रोम का ये अमल है माशाल्लाह जबान बंद का। तो अव्वल आखिर दो शरीफ 21 मरतबा, और सूर्य रोम को 7 मरतबा पढ़ना है 7 दिन तक जोहर नमाज से पहले, यानी आपको शनिचर से लेकर सैटरडे से लेकर आपको सैटरडे को भी कर सकते हैं, या नहीं तो मंगल ट्यूसडे के दिन भी आप अमल को कर सकते हैं माशाल्लाह जबान बंद का, जबान बंद के लिए। तो कंटिन्यू 7 दिन करने से, और करने के बाद नशे दम करने के बाद आप जो है सो बोतल के अंदर एक बोतल ले लें। तरीका मैं आपको आगे बताने वाला हूँ एग्जाम्पल शॉर्ट में। तो इस बोतल के अंदर इस नश को डालना है, फलां का नाम लिखना है, फलां के खिलाफ इसकी जबान मुझे। आप एक साथ चाहे दोस्तों एक आदमी के लिए एक नश होगा, तो चाहे तो पढ़ाई करते वक्त नश बनाकर कितने लोगों की आपको जबान बंद करनी है, कितने लोगों की आपको जो है ना उसकी जबान बंद करनी है, इनके ख्यालात बंद करने हैं, तो आप सारे नश को सामने रख लीजिएगा। तो 7 दिन तक जब आप पढ़ाई करेंगे सारे नश पर फूक दिया करें। तो उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह आप जो 7वां दिन आएगा, तो जब आपको फूकेंगे तो बोतल के अंदर फूकते ही फूक कर सीधा बोतल के अंदर सारे नशों को डाल दें, और उसको अच्छी से उसको उसका कॉक है जो भी है उसका ढक्कन वगैरह होता है उसको अच्छी तरह से मूझ दें, मूझ कर बांध दें। मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि किस तरह करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी माशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को मुझे कम से कम आके 10 से 15 हज़ार लाइक तो चाहिए, तो आप ही मुझे लाइक जरूर करिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह शेयर करते रहिएगा। तो देखते हैं दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब करें माशाल्लाह। आसान अमल सबके लिए एक वाहिद चैनल है, हमारा दूसरा कोई चैनल नहीं है। नंबर जो दिया है उसमें इस खराबी किया जाता है माशाल्लाह। जवाब देने में अगर देरी होती है तो जरूर इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह 2 से 5 के वक्त ही कॉल करेगा, इंशाल्लाह उस वक्त में जरूर आपसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अमल क्या है, नश क्या है, सूरे रोम का, और आपकी खिदमत में पेश नजर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह आप सब्सक्राइब कर लें, जो बाजू बेल आइकन नज़र आ रहा है, यानी बेल नज़र आ रहा है, इस बेल को भी दबा दें। इसके दबाने से ना तमाम वीडियो जो पहले मोबाइल पर आती है या चैनल पर आती है तो आपके मोबाइल पर फौरी आ जाएगी, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। जुड़े रहिए आसान अमलियात सबके लिए से। अमलियात के किसी भी तरह की मालूमात के लिए अभी आप इस नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं,
और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप और मोबाइल नंबर दो भी एक ही है। इंडियन टाइम 2 से लेकर 5 बजे तक इंशाल्लाह ताला आपके लिए तमाम मालूमात मुहैया हो जाएगी और अपना इस्तखारा फ्री करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका इस्तखारा फ्री किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना इस्तखारा करवाना चाहते बिस्मिल्लाह हैं? रहमान रहीम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं, जबान बंद करने के लिए नौवा अमल जो मैं बताऊँ, उसका नश सूरे रोम का, ये वो नश है बामोकिल, जिसकी माशाल्लाह मुकम्मल नश है। वही पुरानी हमारी आतिशी चाल है माशाल्लाह, जो हमेशा से मैं बताता आ रहा हूँ। नश की चाल भी यही है और 16 खानों का नश है, बहुत बेहतरीन नश है। और नश के जरिए उसकी बहुत सारी तासीरात हैं, बामोकिल नश है और सही नश है दोस्तों। इसकी आदत जो है माशाल्लाह बिल्कुल सही है, काने इसके जो चंद खानों में कसर इसकी तैदाद बढ़ती और घटती है। तो आप हजरत जो है इस चीज़ का जो है ना, आप यहाँ पर देखिए, आपको चौथे और पांचवें खाने में इसकी आदत जो है ना बढ़ेगी घटेगी। तो आप इससे आके ये ना समझे कि चलिए कि गलत लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको 10 से 11 मरतबा जिन्हें जांच कर ही, नश को देख कर ही मैंने बनाया है। और इसकी चाल जो है ना आदत बढ़ती घटती, आदत के हिसाब से और आयतों के हिसाब से बढ़ती घटती है। तो आप इसका कुछ भी गलत रहेगा, इस तरह गुमान ना लाइएगा। अगर गुमान आपको आ जाता है कि नश गलत है, तो बिल्कुल आपका अमल नहीं होगा। ये नश आपको मैं जूम करके बता रहा हूँ, देख लेगा, देख लीजिएगा। तो इसकी स्क्रीन शॉट भी मैं आपको बता रहा हूँ, 16 खानों का बेहतरीन नक्श है। तो इसका जो है दोस्तों आगे जो इसकी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, या देखिए इसको आपको देखकर आपको एग्जाम्पल आपको करना है। इसका भी स्क्रीन शॉट आपको बता रहा हूँ, ये पुरानी चाल है आपके पास, ये मौजूद होगी। जो हजरात भाई बहन पहली मरतबा देख रहे हैं, तो वो देख लीजिएगा कि इस तरह ये नंबर, ये एग्जाम्पल नक्श है। इसको फॉलो कर कर आप जो है ना, इस ऊपर वाले ये जिस नक्श को आपको बनाना है, पूर करना है। अगर आप नक्शे नहीं बना सकते हैं, तो आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी काम में ले सकते हैं दुश्मन की जुबान बंद करने के लिए। और जैसा ही आप नश बनेंगे, तो आपको मैं जिस तरह बताऊं कि 7 दिन 7 मरतबा सूरह रोम को वराखद शरीफ 21 मरतबा पढ़ना है। न पढ़ने की दिन टाइमिंग जो सारी मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, आप देख चुके हैं, तो आगे वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। तो इस तरह आपको इस तरह काम में लेंगे वो बताता हूँ। अपना हिसार जरूर इस वीडियो के लास्ट में आपको हिसार का तरीका बता दूंगा, देख लीजिएगा, हिसार करें, वक्त की पाबंदी जरूर करें। हिसार जो है मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, वही हिसार है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं देखे तो आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा, कसूर रूम का नक्श है, तो आप देख लीजिएगा। और इस अब इस तरह मैं आपको बताता हूँ कि एक तरह एक बॉटल देख लीजिएगा, एक कांच की छोटी सी बॉटल मैंने ली है और आप देख रहे होंगे, देख लीजिएगा। और इस बोतल में मैंने एक नक्श रखा हुआ है, देखिए इस नश को इस तरह जो है ना आप बत्ती बनाकर नश जब पढ़ लेंगे, आप रोज पढ़ेंगे तो रोज देखिए दोस्तों, तो 7वें दिन ही जो है ना आपको बोतल की जरूरत पड़ेगी। आप इस तरह की बोतल लें, ये तो एक जार है, तो मैंने इसको आपके एग्जांपल के लिए जार ले लिया है। तो 7 दिन के 7वें दिन जब आप लास्ट दिन अमल करेंगे, तब बोतल आपको जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा इस तरह से दम करने के साथ साथ रोज को दम करेंगे, 7वें दिन इस तरह नश की बत्ती बनाएंगे, दुश्मन का नीचे नाम होगा, उस फिर आपका ना उसकी जबान आपके खिलाफ बंद हो जाए। मकसद जिसमें लिखें, इंग्लिश में किसमें भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपकी लैंग्वेज है नाम वगैरह लिख सकते हैं। और वक्त वही रहेगा, पहले दिन ही नाम वगैरह लिख लें नश के नीचे और 7 दिन तक उस पर दम करते रहें, ठीक है। 7वें दिन आपको बॉटल मिलने, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास ये बॉटल है कांच ही, तो यानी गिलास है, देखिएगा आप, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई भी बॉटल हो, कोई भी आपके आपके पास शीशे का होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो उसमें आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। करने के बाद इसके अंदर 7वें दिन जब होगा, तो इसके अंदर डालकर साथ ही साथ नश पे फूक कर, इस नश पर फूक कर और इस पर भी आप फूकेंगे, दम करेंगे, यानी पढ़कर दम करेंगे। उसके बाद इसके कॉप को, इसके ढक्कन को मूस देंगे। तो इस हरे कपड़े का दोस्तों मेरे पास जो है, अभी जब वीडियो जो मैं लोड कर रहा हूँ आपको, इस रात के 12 मेरे पास नाइट है, तो नाइट में मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। तो आपके लिए जो है दोस्तों, आप ना इस तरह मैंने ग्रीन कपड़ा इसके ऊपर मुझ दिया, तो मुझे ब्लैक कपड़ा नहीं मिला इस वक्त आधी रात को, तो मैं जो आपको बताता हूँ, तो ब्लैक कपड़ा नहीं मिला तो मैंने ग्रीन कपड़े का, फॉर एग्जांपल आपके लिए मैंने बताना है, इसलिए मैंने ग्रीन कपड़े का इस्तेमाल किया हुआ हूँ। तो आप ब्लैक कपड़े को इस्तेमाल करें और इसको किस तरह बांधना है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस तरह इसको बांध दिया है। तो आप जो है ना इस तरह जो है ना ब्लैक कपड़े लेकर सारी बोतल को उसको इस तरह से पूरा हो जाए और इस तरह से इसको बोतल को बांधे, अच्छी तरह से बांधे। तो ये तागा जो है, अगर आप व्हाइट इस्तेमाल करते हैं या काला भी अगर आपको मिलता है या लाल मिलता है तो भी माशाल्लाह कोई हर्ज नहीं, कपड़ा ब्लैक या रेड होना चाहिए। अगर आपको ब्लैक कपड़ा मिलना जरूरी है तो ब्लैक कपड़े में करें, मुझे कपड़ा नहीं मिला इस वक्त जो है ना, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ इस तरह आपको बांधना है।
क्योंकि प्रैक्टिकल बताना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों तरीका समझ में आ गया। इस तरह करने से दोस्तों इसके बाद इस चीज़ को आप क्या करना है वीडियो के लास्ट में आपको बता रहा हूँ, देख लीजिएगा बॉटल का आप क्या करेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों आप पूरा देखिएगा, इसलिए मैंने लास्ट में बता रहा हूँ। तो इस बॉटल में इस तरह डालेंगे तो दुश्मन की जबान हमेशा के लिए, जो भी शख्स उसकी जबान उसके हरकत सब बंद हो जाएंगे। जिस मकसद के लिए करेंगे अल्लाह ताला आपको कामयाबी जरूर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको तरीका समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तरीका सारा समझ में आ गया। जबान बन का जो अमल है सूरह रोम का माशाल्लाह, तो किस तरह आप बनाएंगे, किस तरह जबान दुश्मन की जबान बंद करने के लिए बोतल के अंदर डालकर किस तरह आप उसको काम में लेंगे, चाहे वो कोई भी दुश्मन हो। तो सारा तरीका समझ गए तो दोस्तों आप जो है शुरुआत जो बस ये अमल में आपको वक्त की पाबंदी करना जरूरी है, और वक्त की पाबंदी के साथ साथ जो है दोस्तों तहारत वजू हो वजू ताज़ा वजू करके ही करें, और कंटिन्यू वक्त मुकर्रर वक्त पर अमल करें, वक्त को आके एक ही वक्त पे अमल करें और आके, क्योंकि अब वक्त बदल कर करेंगे तो अमल की तासीर में फ़र्क होगा। और इस तरह 7 दिन कंटिन्यू करके कर देंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हैरत अंगेज आपको फ़ायदा होगा। और इस बोतल को करना क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ। इस बोतल को आप जब सारा काम कर लेंगे, नश बना लेंगे, तो आप अपने घर के किसी कोने में रख सकते हैं कपड़े से बांधकर, जिस तरह मैंने बताया है, तो घर के कोने में रखते हैं, या नहीं तो आप किसी भी जमीन में जगह खोद कर जमीन के अंदर भी इसको दफन कर सकते हैं, कब्रस्तान या किसी भी जमीन पर भी दफन कर सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।